हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे से होंगे और बेहद अपना ख्याल रख रहे होंगे। माई सेल्फ संजीव गोस्वामी विद यू डियर वंस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, अ वेरी वेरी इमोशनल पोएम ऑफ योर सिलेबस क्लास 12th, एंड द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोइट इज कमला दास। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज मदर्स डे भी है, तो आज के दिन मुझे ये वीडियो शूट करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आज के दिन को याद करते हुए, इस पोएम को पढ़ते हुए, हम इसमें अपने इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करें, और कोशिश करेंगे कि आप इस पोएम से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकें। सो पोएम है माई डियर माई मदर एट 66। कमला दास ने अपनी मदर के बारे में लिखा है कि किस तरह उनकी मदर, जिनकी एज 66 हो गई है, काफ़ी बूढ़ी हैं, कमज़ोर हैं, और उन्हें देखकर पोइटिस के मन में क्या ख्याल आया है, ये उन्होंने इस पोएम के ज़रिए हमें बताया है। आइए इसे पढ़ते हैं। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पोइटिस ने यह बताया है कि लास्ट फ्राइडे को अपने पेरेंट्स से घर से जब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, तो उस दिन उन्होंने अपनी मदर को देखा जो उनके साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। बिसाइड मी, उनके पास डोज, वो ऊंग रही थी, नींद में थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। जैसा कि हम देखते हैं, जब लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इनकी एज को ज़्यादा हो जाती है, तो वीकनेस की वजह से वो सोते समय उनका मुंह खुला रह जाता है। हर फेस एशन लाइक दैट, और उससे भी अफसोस पोइटिस को तब हुआ जब उनका चेहरा उसे राख की तरह लगा, या कह सकते हैं यहाँ पर एक सिम्बोलिक वर्ड का यूज कराया गया है, दैट हर मदर वॉज लुकिंग लाइक वेरी फेड, बहुत ही वीक और बहुत ही मुरझाई हुई लग रही हैं। अगला वर्ड और बहुत ही एकदम हॉरिफाइंग है, ऑफ अ कोर्स एंड रिलाइज विथ पेन। कोर्स का मतलब होता है डेड बॉडी। इससे भी आगे जाकर वो बताना चाह रही हैं कि जब पहली बार उन्होंने अपनी मदर को सोते हुए ऑब्जर्व किया, जो नींद में थी, मुंह खुला हुआ था, चेहरा बिल्कुल बेजान हो चुका था, देन पोइटिस को रियलाइज हुआ कि अब उनकी मदर की एज बहुत ज़्यादा हो गई है और वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक तरह का ये एक सिग्नल उन्हें ऐसा लगा कि अब उनकी मदर बहुत दिनों तक उनके साथ नहीं रहेंगी। ठीक है, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। एक क्षण में उनके मन में एक ख्याल आया कि लगता है कि वो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसी आज ये डेड बॉडी जैसी लग रही, इसका मतलब इनका टाइम, इनका समय अब इस दुनिया में ज़्यादा नहीं है, और अब बहुत जल्दी ही ये उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने उस विचार को किनारे किया। तो इस कहानी में, इस पोएम में हम देख सकते हैं दो डिफरेंट थॉट पोइटिस ने हमारे सामने रिप्रेजेंट किए हैं। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है, एक तरफ पॉजिटिविटी है, एक तरफ नेगेटिविटी है। पोइटिस को जैसे ही लगा कि अगर वो और कुछ देर तक अपनी मदर को ऐसे ऑब्जर्व करती रहेंगी तो उनके मन में नेगेटिविटी भरती रहेगी, नेगेटिव वाइब्स आती रहेंगी, बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार अपनी मदर के बारे में आते रहेंगे। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर किया एंड लुक्ड आउट, कार के शीशे से बाहर दूसरी ओर देखा। एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ गमों की शाम है। ज़िंदगी इसी का तो नाम है, कभी खुशी कभी गम, कभी ज़्यादा कभी कम। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब बाहर देखा तो साहब क्या देखते हैं, जब हम सफ़र करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पेड़ साथ साथ भाग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेड़ों को भागने से ज़िंदगी को चलने का एक मैसेज दिया है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति चरैवेति कहती है। तो लाइफ चलती रहती है। शेक्सपियर ने कहा, शो मस्ट गो ऑन, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है यार, वो किसी के रोकने से। लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन जीवन, वो एक सॉन्ग है ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो पेड़ दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स,
और जो सड़क के किनारे किनारे घर बने हुए हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो एक तरफ डेड बॉडी की जैसे लग रही एक बहुत ही ओल्ड मदर हैं, एक तरफ से ज़िंदगी के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं, दूसरी ओर ज़िंदगी खुलती हुई दिख रही है, यानी कि पौधे बच्चे दिख रहे हैं। और वहाँ से पोइटिस एक एक पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिविटी लेकर हमसे शेयर करती हैं कि उन्होंने उधर ना देखते हुए उन बच्चों की ओर देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन इस सफ़र के ख़त्म होने के बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची, सिक्योरिटी चेक हुआ स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, फिर उन्होंने देखा सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ दूरी पर अपनी मदर को खड़ा हुआ देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन एंड पेल, एक बार फिर मदर को देखा। अब ये टाइम बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर पोइटिस को पूरी तरह से रियलाइज हो गया है कि शायद अब ये मुलाकात दोबारा कभी नहीं होगी, शायद अब अपनी मदर को वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगी। वो एक बहुत मशहूर सॉन्ग है, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सबको तुमको दिखाई देंगे पर हम ना नज़र आएंगे। तो आज ऐसी ही फीलिंग पोइटिस को हो रही है कि उसकी माँ बहुत ही वैन एंड पेल, बहुत ही वीक, कमज़ोर और बहुत ही बेजान लग रही हैं। एज ए लिटिल विंटर्स मून, जैसे सर्दियों में जब हम रात में देखते हैं कभी चांद को, तो वो थोड़ा पीला दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो आभा है, उसकी सुंदरता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि चांद धुंध में होता है, कोहरे के पीछे होता है। तो यहाँ पर ये मैसेज पोइटिस दे रही है कि यहाँ भी जीवन पर एक धुंध है, कोहरा छा रहा है, यानी कि ज़िंदगी अब जा रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और जब उस चेहरे को देखती हैं तो चेहरे पर जो पीड़ा है मदर की, मदर को भी एहसास है, जब हमें एहसास है कोई जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे ना एहसास हो जो खुद जा रहा है, तो उनके चेहरे पर भी एक पीड़ा है। पोइटिस उसे पढ़ने की कोशिश करती हैं और आज हमसे इस पोएम के ज़रिए शेयर भी कर रहे हैं। माई चाइल्डहुड्स फियर, अचानक एक बच्चे का मन, एक बेटी का मन हल्के से घबराया और दिल हल्के से धड़का, वैसे ही जैसा कभी बचपन में हुआ होता होगा, जब छोटे बच्चों के माँ बाप थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले जाते हैं, या स्पेशली मदर, तो बच्चा घबरा जाता है, मम्मी मम्मी चिल्लाता है, उसे माँ की याद आती है। आज उसे वैसी फीलिंग हो रही है कि वो दुख उसे फिर से महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये हाथ फिर से छोड़ने जा रही हैं उसकी माँ। बट ऑल आई सेड आई वॉज सी यू सून, लेकिन मैंने अपने आप को फिर कंट्रोल किया, पोइटिस कह रही है, और मदर को ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। उन्हें कोई बात नहीं, सी यू सून, हम फिर मिलेंगे, ज़िंदगी हमें फिर मौका देगी, मदर आप घबराना मत, हम फिर से आएंगे। अम्मा ऑल आई डिड, बस मुँह से यही निकला, माँ, अम्मा, आई, माँ, मदर, अम्मी, वर्ड्स ज़बान बदल सकते हैं दोस्तों, लेकिन माँ के लिए जज्बात वही रहते हैं। कुछ भी कहिए, माँ सिर्फ माँ है। इसके साथ पोइट्रिक्स ने सिर्फ एक स्माइल दी, मुस्कुराकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा मैं भी स्माइल के साथ। पोइट्रिक्स ने भी मुस्कुराकर बाय किया और इतना ही कहा कि माँ फिर मिलेंगे, और आप अच्छे से रहें, ठीक से रहें। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये सेंट्रल आइडिया, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर करें पोएम को। मैं फिर से कहता हूँ, मैं बार बार, मैंने अपने क्लासेस में कहा है आपसे भी, सिर्फ उसका हम ट्रांसलेशन रटे ना, कोशिश करें उसका जो एसेंस है, उसका जो थॉट है, जो सेंट्रल आइडिया है, जिस वजह से पोइट ने या पोइटिस ने वो कलाम लिखा है, वो नज्म लिखी है, वो गज़ल लिखी है, वो पोएम लिखी है, वो कविता लिखी है, अगर हम तक वो भावनाएं नहीं पहुंची तो हमारा उस पोएम को पढ़ने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य, अधूरा रह जाए। आई होप आई ट्राइड अ बिट, मैंने थोड़ी कोशिश की, थोड़ी आप करेंगे पोएम को समझ जाएंगे। सो टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।